हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं बालों की हर्बल मेहंदी की। तो कई तरह के ब्रांड्स में बालों की मेहंदी उपलब्ध है, मतलब कई तरह के हर्बल आयुर्वेदिक ब्रांड्स में। मैंने पतंजलि, VlCC, गोदरेज नूपुर मेहंदी ट्राई की है। हिमालया की भी मेहंदी उपलब्ध है, जो हिमालय आयुर्वेदिक ब्रांड है उनकी। सो फ्रेंड्स, जो गोदरेज मेहंदी है वो बालों को ज़्यादा कलर नहीं देती है, लेकिन वो भी एक अच्छी क्वालिटी की मेहंदी है जिसमें काफ़ी सारे हर्ब्स होते हैं और जो बालों को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। लेकिन अगर आपको बालों में कलर चाहिए तो आप पतंजलि मेहंदी ट्राई कीजिए। गोदरेज नूपुर मेहंदी बालों को हल्का कलर देती है। अगर आप बालों में मेहंदी का कलर नहीं चाहते हैं तो मेहंदी में ऑयल मिक्स करके लगाएं, उससे बालों में बहुत ही हल्का कलर चढ़ता है। लेकिन मेहंदी के जितने भी सारे बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं। मैं आज आपको यहाँ पे पतंजलि का मेहंदी और VLCC मेहंदी दिखा रही हूँ। मैंने ये दो अलग तरह के पैकेट्स लिए हैं, क्योंकि आपको जितने भी ब्रांड्स हैं हर्बल मेहंदी के, बालों की जो मेहंदी अवेलेबल है उसमें अलग अलग छोटे से छोटा पैक से लेके बड़े पैक तक उपलब्ध है। फ्रेंड्स, ये पतंजलि हर्बल मेहंदी है और ये बालों को स्वाभाविक रूप से रंग देती है। मतलब स्वाभाविक रूप मतलब कि बालों को अगर आप पार्लर में जाके कलर करते हैं वैसा कलर नहीं आता है। जैसे कि किसी के नेचुरल ब्राउन हेयर होंगे, जिस तरीके से दिखाई देते हैं नेचुरल ब्राउन हेयर्स, तो उसी तरीके से ये मेहंदी का कलर आपको दिखेगा। तो ये पतंजलि मेहंदी है, उसमें है 10 जड़ी बूटियाँ। ये 100 ग्राम का पैकेट मैंने यहाँ पर लिया है और इसके ऊपर लिखा है कि इसमें क्या क्या है। जैसे कि मेहंदी में आंवला है, मेथी है, शिकाकाई है, भृंगराज है, नीम है, काता है, चाय है, कलौंजी है और नीलपत्ती है। यहाँ पे सब इसमें क्या क्या है और कितनी मात्रा में है वो मेंशन किया है। ये इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2 ईयर्स की है और इसकी प्राइस है 100 ग्राम का 35 रुपीज़। यहाँ पे इसके निर्देश दिए हैं कि इसको किस तरह से लगाना है। फ्रेंड्स, मेहंदी जो होती है वो आयुर्वेदिक का ठंडा हर्बल नेचुरल कंडीशनर होता है और इसमें नीम, आंवला, मेथी के बीज का अर्क भी है और आप हर सप्ताह में एक बार मेहंदी का उपयोग कर सकते हैं या जितनी बार आपको आवश्यकता हो मेहंदी लगा सकते हैं। मेहंदी रूसी यानी कि डैंड्रफ कम करती है और जड़ों को मजबूत करती है। नियमित उपयोग से बालों के विकास में भी सुधार करती है, बालों को मुलायम और सीधा करती है, बालों का गिरना कम करती है। अगर आपके पास लोहे का बर्तन है तो आप, ये लोहे का बर्तन इस तरह से होता है, तो आप उसमें मेहंदी भिगो के रखिए, क्योंकि लोहे के बर्तन में मेहंदी भिगोने से ज़्यादा अच्छा कलर देती है। और उससे लोहे के बर्तन में भिगोने के बाद जो आपको मेहंदी, जो मेहंदी आप वो लगाते हैं वो आपको अच्छी नींद भी देती है। पतंजलि केशकांति हर्बल मेहंदी को रात भर एक लोहे के बर्तन में कम से कम 4 घंटे के लिए आप भिगो के रख दीजिए और आप सवेरे इसको लगाइए 2 घंटे कम से कम। फ्रेंड्स, मैं 2 घंटे से ज़्यादा यानी 3-4 घंटे रखती हूँ, लेकिन जब आप इसको ज़्यादा घंटे रखते हैं तो वो सूखने लगती है और आप जब इसको धोते हो तो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आपके यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ 2 घंटे ही मेहंदी लगा के रखें और इसको सामान्य पानी से धो दें। आप शैम्पू ना करें, दूसरे दिन आप शैम्पू कर सकते हैं। ये दूसरी जो है ये VLCC नेचुरल हर्बल हीना है। ये मैंने छोटा पैकेट लिया है, ये सिर्फ 5 रुपीज़ का पैकेट है। ये जो मेहंदी है, यहाँ पे मेहंदी का पैकेट है, यहाँ पे काफ़ी सारा इसका डिटेल्स दिया है, जैसे इसमें क्या क्या है। इसमें भी 10 हर्ब्स है, ये बालों को स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड शाइनी बनाता है।
इसमें है नेचुरल प्रोटीन विटामिन सी जो बालों को नरिश करता है और हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाता है, सो डैंड्रफ को हटाता है। और वीएलसीसी मेहंदी में है आंवला, अरिष्टा है, जटामांसी है, शिकेकाई है, बहेड़ा है, हरिताकी है, नीम है, भृंगराज है और तालिसपत्र है। तो इसमें थोड़े हर्ब्स डिफरेंट है और पतंजलि में थोड़े हर्ब्स डिफरेंट है। सो वीएलसीसी मेहंदी भी जो है उसको भी भिगोने का तरीका सेम है। आप रात को जो अगर आपके पास लोहे का बर्तन है तो लोहे के बर्तन में, नहीं तो आप कोई भी कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में इसको भिगो के रखिए दो, और फिर रात भर भिगो के रखिए और बाद में आप 2 घंटे इसको लगा के धो दीजिए। मेहंदी को आप जितना ज़्यादा भिगो के रखते हैं उतना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स देती है। कम से कम आपको 4 घंटे मेहंदी को भिगो के रखना चाहिए। सो इसमें जो ब्रांड्स अवेलेबल है जैसे कि गोदरेज, हिमालय, वीएलसीसी या पतंजलि, तो उसमें जो पतंजलि मेहंदी है वो ज़्यादा रीजनेबल है और मुझे खुद को पर्सनली ज़्यादा पसंद है। सो आपको जो मेहंदी पसंद आती है आप उसे ट्राई कीजिए। सो मैं यहाँ पे आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ। फ्रेंड्स मेहंदी भिगोना है ना तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको भिगोना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना इसको गाढ़ा रखेंगे ना उतना बेटर है। क्योंकि आप अगर इसको पतला करते हैं तो फिर वो आप जब भी इसको बालों में लगाओगे तो वो ड्रॉप होने लगेगी, गिरने लगेगी, फिर वो और उसके बेनिफिट्स भी नहीं होते, क्योंकि अगर वो आपके बालों में रहेगी ही नहीं तो उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स जब भी आप मेहंदी भिगोएंगे ना तो मेहंदी आप छलनी से छानिए या तो फिर उसके अंदर अगर कुछ नॉट्स टाइप्स है तो उसको निकाल दीजिए और उसमें थोड़ा 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 पानी डाल के उसको भिगोते रहिए, तो आपको कंसिस्टेंसी पता चलेगी। अदरवाइज़ फिर एक बार आप उसको ज़्यादा पानी डाल दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, एक मिनट। सो फ्रेंड्स बालों के लिए ये एक नेचुरल कंडीशनर होता है और बालों के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपको आपके बाल सीधे करने हैं तो मेहंदी एक बहुत ही अच्छा नेचुरल उपाय बोल सकते हैं आप, जो है जो आप अपना सकते हो। सो आप मैं बालों को कलर के लिए मेहंदी ही इस्तेमाल करती हूँ, कोई भी केमिकल वाला कलर मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सो आप जितना हो सके नेचुरल चीज़ों के लिए जाइए, और आजकल ये जो मेहंदी अवेलेबल है, जो भी हर्बल मेहंदी अवेलेबल है, वो कई सारे उसमें हर्ब्स भी होते हैं तो वो आपके बालों को अच्छा बेनिफिट्स देती है। सो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ओम नमः शिवाय।